ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह आए दिन अपने इंटरव्यू के जरिए नए नए खुलासे कर रहे हैं अपनी बेटी ज्योति सिंह के जिंदगी को लेकर, जो सबको चौंका दे रहा है। ज्योति के पिता अपनी बेटी की आप बीती सुना रहे हैं, जिसे खुद ज्योति बता नहीं पा रही। उनकी बेटी ने इस रिश्ते में कैसे कैसे कष्ट काटे हैं और कितनी जिल्लत झेली है, ये सब वो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं। ज्योति के पिता ने अब जो खुलासा किया है वो सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि ज्योति आत्महत्या करने की भी कोशिश कर चुकी हैं। उन्होंने पवन के रवैये से तंग आकर खुद की जान लेने की कोशिश की और नींद की टैबलेट का ओवरडोज लिया ताकि वो अपनी जिंदगी से पीछा छुड़ा सके। जी हाँ, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि पवन की पहली पत्नी नीलम सिंह ने आत्महत्या की थी, जिसे लेकर ज्योति के परिवार वालों ने ये सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने ये बात कही कि नीलम ने सुसाइड नहीं की थी। वेल, अब बात करें ज्योति सिंह की, तो उनके पिता ने बताया कि ज्योति जब मुंबई गई तभी से प्रॉब्लम शुरू हो गए, लेकिन ज्योति अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब सह रही थी और जब ज्योति बहुत ज्यादा तंग आ गई तब उन्होंने नींद की दवाइयों का ओवरडोज ले लिया खुद को खत्म करने के इंटेंशन से। ज्योति के पिता ने बताया कि उस हालत में भी पवन ज्योति को एक बार भी देखने नहीं गए कि उनकी हालत क्या है और ना ही हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने ज्योति को उनके हाल पर ही छोड़ दिया और पवन के बड़े भाई रानू सिंह ज्योति को हॉस्पिटल लेकर गए। ज्योति के घर वालों को इस घटना के बारे में बहुत बाद में पता चला। ज्योति के पिता ने आगे बताया कि मेरी बेटी 2 साल तक ये सब सहती रही और इस रिश्ते को निभाने की कोशिश में लगी रही और आखिर में उसने हार मानकर मेरे पास कॉल किया और कहा कि पापा आइए और मुझे लेकर जाइए वरना मैं यहाँ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अगले ही दिन ज्योति के पिता मुंबई पहुंच गए। उनके सामने पवन 2 दिन तक तो ठीक रहे, लेकिन फिर उन्होंने ज्योति से वैसे ही पेश आना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना, झगड़े करना। तब ज्योति के पिता अपनी बेटी को बलिया लेकर आ गए और पवन से ये कहकर आए कि जब इज्जत से रखना होगा तो आकर ले जाइएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ज्योति के आने के बाद पवन बलिया तो कई बार आए लेकिन कभी ज्योति को लेने के लिए नहीं आए और ना ही उनके परिवार वालों ने भी कभी ज्योति को बुलाया। राम बाबू सिंह ने यह भी कहा कि लोग बोलते हैं कि ज्योति क्यों नहीं गई, तो क्या ज्योति वहां पर मरने के लिए जाए? शुक्र है कि मेरी बेटी की जान बच गई। वेल, ज्योति के पिता के इस खुलासे पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।